फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीसीवी वॉल्व पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन की, कि इंजन में इसका फंक्शन क्या होता है, उसके खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इंजन में पिस्टन का मूवमेंट कंटिन्यूअस ऊपर से नीचे होता रहता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो थोड़ी थोड़ी हवा इंजन चैम्बर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे चैम्बर में प्रेशर बढ़ने लगता है। उसी प्रेशर को बाहर निकालने के लिए पीसी वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। पीसी वॉल्व की लोकेशन इंजन हेड पर होती है। ग्रेविटी की वजह से ऑयल है नीचे रहता है और गैसेज हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है। इंजन चैम्बर को पीसी वॉल्व के साथ एक पतले पाइप की सहायता से जोड़ा जाता है। पीसी वॉल्व वन वे वॉल्व होती है, जो बाहर की गैसेज को अंदर नहीं आने देती, जबकि अंदर की गैसेज को बाहर निकलने देती है। पीसीवी वॉल्व से निकलने वाली गैसेज इंजन इंटेक में फ्रेश एयर के साथ मिक्स होकर कंबसन चैम्बर में जाकर दोबारा से बर्न होती है। अब बात करते हैं कि जब पीसीवी वॉल्व खराब हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पीसीवी वॉल्व में दो पोजिशन होती है, स्टक इन क्लोज पोजिशन, स्टक इन ओपन पोजिशन। ज्यादा चलने की वजह से पीसीवी वॉल्व में जो स्प्रिंग होता है वो खराब हो जाता है। वो पीसी वॉल जब ओपन कंडीशन में स्टक हो जाती है तो कंटिन्यूअस जो चैम्बर का एयर है वो निकलती रहती है, और वैक्यूम की वजह से एयर के साथ ऑयल भी निकलना शुरू हो जाता है, जो इंजन मैनिफोल्ड, इंटेक मैनिफोल्ड और हमारे थ्रॉटल बॉडी में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो हमारा मैप सेंसर है वो खराब हो जाता है और आरपीएम की रीडिंग गलत होने लगती है। अगर पीसीवी वॉल क्लोज कंडीशन में स्टक हो जाती है तो चैम्बर की गैसेज को बाहर निकलने नहीं देगी, जिससे कि चैम्बर में एयर प्रेशर बढ़ने लगेगा और जितनी भी इंजन की सील्स है वहां से हमारा ऑयल सीपेज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो पुराने इंजन होते हैं उनमें जगह जगह से हमें ऑयल लीकेज मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पीसीवी वॉल्व के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।